हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विथ रिचा चैनल। तो फाइनली हमारी जो है यूजीसी नेट एग्जाम का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से दिन होगा। ये नोटिस अभी अभी आया है 2 अगस्त यानी आज ही, और अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिस जो है आप एनटीए की वेबसाइट पर देख सकते हो, वहां पर ये नोटिस आ गया है। इसमें आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल यूजीसी नेट जून 2024 का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें उन्होंने जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखो डेट दी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम कब से कब तक होगा। हमें पता ही था 21 अगस्त से 4 सितंबर तक, ये एनटीए पहले भी बता चुका है। तो अब सारी अफवाहों को जो है विराम लग जाएगा। अब आपकी एग्जाम डेट सब्जेक्ट वाइज भी आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका एग्जाम सीबीटी ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपका एग्जाम 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने जा रहा है और ये आपका एग्जाम ऑनलाइन करवाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। अभी मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पर भी लेकर चलूंगी, एक बार हम खुद से चेक कर लेंगे, आपको भी मतलब दिखा दूंगी कि ये नोटिस बिल्कुल ऑफिशियल है। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डेट। अब यहाँ पर जो है एक चीज और बता देती हूँ, पिछली बार जब हमारा दिसंबर का एग्जाम हुआ था 2023, तो सभी एग्जाम एक एक शिफ्ट में ही करवाए गए थे। लेकिन इस बार फिर से जो बड़े एग्जाम है जिसमें जो है कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं, वो उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होने जा रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर मेन मेन सब्जेक्ट को आपकी जो है डेट बता देती हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश का एग्जाम आपका 21 अगस्त को होगा और इंग्लिश का एग्जाम आपका दोनों शिफ्ट में होगा। शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, शिफ्ट 1 की टाइमिंग है 9 से 12 और शिफ्ट 2 की टाइमिंग है 3 से 6, ठीक है। 21 अगस्त को आपका इंग्लिश का जो है दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा। आप बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सी शिफ्ट में है, तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आता है कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सभी सब्जेक्ट के एग्जाम जो है दोनों शिफ्ट में है, कुछ सब्जेक्ट जहाँ पर जो है बच्चे ज्यादा रहते हैं तो उन सब्जेक्ट का एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा। उससे अलग जो है यहाँ पर अन्य लैंग्वेज है उनका एग्जाम होगा, देख लीजिएगा आपका जो भी सब्जेक्ट हो। यहाँ पर फिर 22 अगस्त की बात करूं मैं, सोशल वर्क, होम साइंस, म्यूजिक, फ्रेंच। होम साइंस का एग्जाम जो है यहाँ पर आपका शिफ्ट 1 में होने जा रहा है और एजुकेशन, एजुकेशन का एग्जाम आपका शिफ्ट 2 में होगा, ठीक है। उसके बाद बात करूं 23 अगस्त को कंप्यूटर साइंस, एक ही शिफ्ट में एग्जाम आपका होने जा रहा है। हिंदी, क्योंकि हिंदी के ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं तो हिंदी वाले बच्चे जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, आपको बता देती हूँ आपका एग्जाम होने जा रहा है 26 अगस्त को, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम 26 अगस्त को होगा और दोनों शिफ्ट में होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में होगा। वो आपको आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कौन सी शिफ्ट में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26 अगस्त हिंदी और हिंदी यानी दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। इधर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वे शिफ्ट 1 के लिखे हुए हैं, इधर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं शिफ्ट 2 के लिखे हुए हैं, और जिस सब्जेक्ट दोनों जगह लिखा हुआ है उसका मतलब है कि दोनों शिफ्ट में आपका ये एग्जाम होगा आपके सब्जेक्ट का। क्लियर हुई ये चीजें। उससे अलग हिंदी से अलग काफी लैंग्वेज है, ओडिया, नेपाली, मणिपुरी, जिनका एग्जाम है आप देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर 28 अगस्त को जो एग्जाम होने वाले हैं पंजाबी, तमिल, इकोनॉमिक्स के ज्यादा बच्चे रहते हैं, तो आपका एग्जाम 28 अगस्त को होने जा रहा है। 29 अगस्त सबसे ज्यादा, अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें सारी लैंग्वेज है, मैथिली, गुजराती, जर्मन, पाली, प्राकृत, बोरो, सिंधी, हिस्ट्री का एग्जाम कब होने जा रहा है, दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा क्योंकि हिस्ट्री के बच्चे भी ज्यादा रहते हैं तो दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। 30 अगस्त को बात करो तो लो संस्कृत का एग्जाम सेकंड शिफ्ट होगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो सब्जेक्ट हो देख लीजिएगा। मुझे इसमें कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं लग रहा है कि जिसके बच्चे ज्यादा जो है एग्जाम देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 सितंबर को मलयालम, उर्दू, इनका एग्जाम है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन से काफी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होने जा रहा है यहाँ पर 2 सितंबर को, और मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। 3 अगस्त को कॉमर्स, कॉमर्स के बहुत बच्चे रहते हैं, कॉमर्स का एग्जाम आपको होगा 3 अगस्त को, दोनों शिफ्ट में एग्जाम है। जिन्होंने जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, ध्यान से सुन लीजिए, आपका दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा कॉमर्स वाले बच्चों, ठीक है।
4 अगस्त को एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का भी जो है दोनों शिफ्ट में एग्जाम है, यानी इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इन सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आपका दोनों शिफ्ट में होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल जो है ऑफिशियल नोटिस है। अभी जो मैंने जो ये नोटिस है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दिया है हिंदी विद रिचा पर, जाकर देख लीजिएगा। तो फाइनली हमारा सब्जेक्ट वाइज भी डेट आ चुकी है। मेरे साथ हिंदी के विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका एग्जाम 26 अगस्त को होगा और सभी एग्जाम ऑनलाइन हो गए जैसे अब तक होते आ रहे थे, ठीक है। दोनों शिफ्ट में आपका हिंदी का एग्जाम है। आपके एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम है। आपका हिंदी से अलग कोई भी सब्जेक्ट है देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरी जो है 83 के 83 सब्जेक्ट की यहाँ पर लिस्ट मैंने रख दी है। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिप्लाई में मैं आपका जवाब दे दूंगी, जो भी आपको एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल ऑफिशियल है। एक बार चलते हैं एनटीए की वेबसाइट की तरफ, देख लेते हैं वहां पर हम इस नोटिस को एक बार, आपको जो है एनटीए की वेबसाइट है आप देख पा रहे होंगे, एनटीए की वेबसाइट, यहाँ पर जो है ये नोटिस आया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर ये नोटिस ये देखोगे सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट जून 2024, इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये नोटिस हमारा ओपन हो गया जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें जो है आपका वही नोटिस है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया था, बिल्कुल ऑफिशियल है। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर भी हमने एक बार चेक कर लिया है, ठीक है। 26 अगस्त ध्यान रखिएगा हिंदी वाले बच्चों, आपका एग्जाम 26 अगस्त को होने जा रहा है हिंदी का एग्जाम, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं आपके लिए मैराथन क्लास जो है लेकर आई हूँ। ये मैंने काफी दिन जो है यहाँ पर अभी अगस्त के महीने में शुरू कर दी थी, 1 अगस्त। आप जानते हैं आपके पेपर 2 में 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट की यहाँ पर मैं आपको मैराथन क्लास करवाने वाली हूँ बिल्कुल फ्री। 2 क्लास हमारी हो भी चुकी है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रिचा पर। कल को हम यूनिट 3 की मैराथन क्लास करेंगे, टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे। तो अब जिन बच्चों को ये लग रहा था एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम नहीं होगा, अब तो आपका मुझे लगता है जो कंफ्यूजन है, जो कुछ बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, अब भी टाइम है, जो आपके पास 15-20 दिन बचे हैं अच्छे से तैयारी करो। तो मैं ये आपके मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ बिल्कुल फ्री है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 2 क्लास हमारी अभी तक हो भी चुकी है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, यूजीसी नेट हिंदी मैराथन क्लास यूनिट 1 टू 10, इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो अभी तक जो हमारी दोनों मैराथन क्लास हुई है आपको मिल जाएगी। साथ ही जो बच्चे ये 26 अगस्त को हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको ये 2 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगी, जाकर देख लीजिएगा अब भी टाइम है। पहली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें सोल्व करने ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम ना सोल्व करें। पीवाई को सोल्व कर लीजिएगा, ईयर वाइज कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में मैंने आपको वही टॉपिक करवाए हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक बार दिखा देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो ये आपको सारी क्लास मिल जाएगी, जिसमें मैंने ईयर वाइज दिसंबर 2019, जून 2020 फर्स्ट शिफ्ट, जून 2020 सेकेंड शिफ्ट, इस तरह सारे पेपर करवाए हैं 2019 से और 2024, जो भी 18 जून को पेपर रद्द हुआ था वो भी मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ है। साथ ही फाउंडेशन बैच की बात करो तो वे सभी टॉपिक जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते ही है, जैसे संवैधानिक स्थिति, अंधेर नगरी नाटक, भारत वर्षोन्नति निबंध, भारतीय काव्य शास्त्र, चंद्रगुप्त, सभी रचना व रचनाकारों का कालक्रम, ईदगाह कहानी, हिंदी कविता, अंधायुग, ये वे क्लास है। ये बैच मैंने आपको करवाया था बिल्कुल फ्री बैच आपको करवाया था आपके जून वाले एग्जाम के लिए, लेकिन वो रद्द हो गया था। लेकिन इस बैच से आपके 18 जून के पेपर में काफी क्वेश्चन आए हैं, यकीन नहीं है तो ये क्लास देख लेना और पेपर मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी महत्वपूर्ण ये क्लास है, तो इसमें आप लापरवाही मत कीजिएगा। साथ ही मैराथन क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा, मॉर्निंग में 10 बजे डेली हमारी लाइव क्लास हो रही है मैराथन क्लास की, तो आप इसमें जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो है मैंने आपको जानकारी दे दी है, आपका
आपका जो भी सब्जेक्ट है चेक कर लीजिएगा किस दिन आपका एग्जाम है और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। यदि आप अभी तक रुके हुए थे और या जो बच्चे पढ़ रहे थे वे अपनी तैयारी अब कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब तो जो है बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी डेट आ चुकी है। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझको मेरे टेलीग्राम चैनल पर या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देती हूँ। यहाँ पर 15,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हुआ है, वहां पर भी जो है मैं अपनी क्लास की सारी जानकारी एनटीए की अपडेट सब देती हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। और आप एनटीए की सभी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो हमारी क्लास को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।